गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया चैप्टर इलेक्ट्रोडायनामिक होगा। इलेक्ट्रो डायनामिक, हमने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, ये सब हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रो का मतलब तो चार्ज होता है और डायनामिक का मतलब क्या होता है? मोशन। अब हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जो चार्ज है वो किस में है? मोशन में है, जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहेंगे भाई? द स्टडी ऑफ चार्ज, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये ध्यान रखना है। अब हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमें पता है, 10th क्लास में भी पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट क्या पढ़ते हैं भाई? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी कह सकते हो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, उसको हम क्या कहते हैं भाई? इज इलेक्ट्रिक करंट। अब छोटे छोटे पॉइंट है जो याद रखने हैं भाई। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट किया जाता है? आई से डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को। हम ये क्या कहते हैं भाई, अगर मान लीजिए ये कहते हैं कि लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल क्यू अपॉन डेल टी, मीन्स दैट इज डेल क्यू स्मॉल चार्ज पास थ्रू कंडक्टर, पास थ्रू कंडक्टर इन स्मॉल चार्ज डेल टी, स्मॉल टाइम डेल टी। देखिए ध्यान से, मैं ये कह रहा हूँ कि डेल क्यू अमाउंट स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डेल टी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में पास होता है। मींस डेल टी टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि ये वैल्यू बहुत स्मॉल है। मींस आई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे फिर? डी क्यू बाई डी टी, इसको हम यूज करेंगे। मेरी बात समझ गए भाई? तो आगे मान लीजिए ये कहा जाए, इफ करंट इज स्टेडी, अगर करंट स्टेडी है, दैट इज स्टेडी का मतलब जो इसकी रेट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज, विद टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम जो रेट बता रहे हैं ना, वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होने चाहिए। कॉन्स्टेंट रेट से चार्ज पास होना चाहिए, उस तरह के करंट को स्टेडी करंट बोलते हैं। और उसमें हम सीधा एक फॉर्मूला रख देते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, बस चार्ज अपॉन टाइम। मतलब आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू
इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है। अब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ, और SI यूनिट की बात करते हैं, करंट। अब SI यूनिट ऑफ करंट की बात करेंगे तो भाई यूनिट क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है, तो हम मैं आपको बता देता हूँ, इट्स यूनिट इज एम्पियर। अब आपसे कहा जाए डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को डिफाइन करो, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता रहा हूँ भाई, करंट की यूनिट हो गई 1 एम्पियर, चार्ज की यूनिट हो गई 1 कूलम, अपॉन टाइम क्या हो गया 1 सेकेंड। मतलब आप क्या कहोगे, व्हेन 1 कूलम चार्ज पास थ्रू ए कंडक्टर, परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, ये याद रखना है कि जो क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, उसके परपेंडिकुलर पास होना चाहिए चार्ज। व्हेन 1 कूलम चार्ज पास थ्रू ए कंडक्टर परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट तब कहा जाएगा जब किसी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास हो जाए। 1 कूलम चार्ज पास थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ये इसकी SI यूनिट है। अब कुछ छोटी यूनिट्स भी हैं, कुछ बड़ी यूनिट्स भी हैं। तो जैसे कि हम बात करें 1 मिली एम्पियर, तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि भाई मिली क्या होता है, 10^-3 एम्पियर, जिसको 1 मिली एम्पियर ऐसे लिखते हैं। आपसे कह दिया जाए 1 माइक्रो एम्पियर, तो क्या लिखोगे, 10^-6। तो इस तरह से इनके बारे में तो मालूम होना चाहिए, ये तो प्रीफिक्स हैं, प्रीफिक्स आपसे अच्छे से समझा रखी है आपने, ये पर इसका छोटा सा जो बेसिक है ना वो समझना है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए देखिए ध्यान से, इसका बेसिक समझ लेते हैं भाई, ये क्या हो गया, देखिए क्या होता है, हम रूम टेम्परेचर पर किसी भी कंडक्टर को लेते हैं, आपने कोई भी कंडक्टर लिया, जैसे कि यहाँ आपने कोई भी कंडक्टर ले लिया, ये आपके पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिगजग मोशन में मूव करते हैं, यूरेंडमली, कभी किसी से टकरा गई, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं। इस तरह से इनका पाथ होता है, रैंडम जिगजग मोशन में मूव करते हैं, एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 10^5 m/s रैंडम मोशन, ये याद रखना है। अभी तक हमने यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब हमने इसको कहीं कनेक्ट ही नहीं किया है, ये केवल और केवल हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, ये रैंडम मूव करते हैं, और यहाँ पर नेट चार्ज मतलब किसी भी डायरेक्शन में, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में चार्ज मूव नहीं कर रहा है। मीन्स हम ये भी कहेंगे इन दिस कंडीशन चार्ज डू नॉट मूव एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन,
क्लियर, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये चार्ज मूव नहीं कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम इस कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, की वी वोल्टेज, तो क्या हुआ भाई, यहाँ टर्मिनल पॉजिटिव आ गया, यहाँ क्या आ गया नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई हमारे पास यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी बेटा यहाँ हमने गलती से लिख दिया था, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है नॉट इक्वल टू जीरो। अब क्या होगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, पढ़ा हुआ है हमने भाई, नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, और अगर पॉजिटिव होता तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करना शुरू कर देंगे भाई, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ध्यान रखना है। हो गया भाई, अब ये इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या होता है, यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं कि जब ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं, या लिख देते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव इन स्पेसिफिक डायरेक्शन अंडर इफेक्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, देन देयर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहला पॉइंट तो ये, और उसको हम वी डी से लिखते हैं। जब ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम उस वेलोसिटी को वी डी बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा अगेंस्ट होती है। पहला पॉइंट ये समझना है। अब इसी के अंदर हम आपको बताएंगे सेकंड पॉइंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है इनकी डायरेक्शन बदलती है सभी की, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है मैं लिख देता हूँ, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मैग्नीट्यूड, अब आपने ये बताना है, समझना है आपने, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब ये फ्री थे तो 10^5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे थे, इनकी स्पीड 10^5 मीटर थी। 10^5 का मतलब क्या है कि भाई 1 के बाद 5 जीरो लगा दो, 100,000 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से मूव कर रहे थे। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाते ही इनकी डायरेक्शन बदली, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इनके डायरेक्शन बदल दी, इनके ऊपर फोर्स लगाया, तो क्या इनकी स्पीड बढ़नी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए, इनकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए या डिक्रीज हो जानी चाहिए, ये बताना है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ इनकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए मैंने लिखा है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, मैं लिख देता हूं, ऑन द ऑर्डर ऑफ 10^-4 मीटर। 10^-4 का मतलब क्या है, 10^-3 तो मिलीमीटर हो जाता है, 10^-3 क्या होता है मिलीमीटर, और ये तो मिलीमीटर का भी पॉइंट है, मतलब 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड, कितनी धीरे हो जाती है। दैट इज आप क्या कह सकते हो, दैट इज 10^9 टाइम्स स्मॉलर देन द एवरेज स्पीड, 10^9 टाइम्स स्मॉलर
देन द एवरेज स्पीड, ये याद रखना है कि जो एवरेज स्पीड है उसकी 10^9 स्मॉलर। देखिए 10^5 को 10^9 से डिवाइड करिए, 10^-4 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, अब ये स्पीड डिक्रीज हो गई। हमने क्या कहा, इसका मतलब है रैंडम मूव कर रहे थे तो बहुत स्पीड से मूव कर रहे थे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो बहुत धीरे धीरे मूव करना शुरू कर रहे हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इनका जो रैंडम मोशन था ना, उसको तो हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जो रैंडम मोशन होगा उसके अंदर जो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी जो निकाली जाएगी वो क्या बताई जाएगी भाई, जीरो बताई जाएगी। उस समय एवरेज वेलोसिटी को क्या बताया जाएगा, जीरो। हम ये भी बता सकते हैं, यहाँ पर ये यहाँ का पॉइंट था इन रैंडम मोशन, वी एवरेज इज इक्वल टू जीरो। वी एवरेज क्या बताया जाएगा, जीरो बताया जाएगा, ये आपने याद रखना है। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम एक बताते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपसे पूछा जाएगा कि, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि करंट कैसी क्वांटिटी है, तो आप बता दोगे स्केलर है, पर आपसे ये कहा जाएगा द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या कहा जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कहता है कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट होती है, फिर भी स्केलर क्वांटिटी है, तो हम डायरेक्शन बता ही रहे हैं तो भी स्केलर क्वांटिटी क्यों है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि देखिए हमने क्या कहा भाई, ये हमारे पास कंडक्टर है, इसको हमने बैटरी के साथ, सेल के साथ जोड़ा, बैटरी की हेल्प से, की हेल्प से, या हमने बता दिया वी पोटेंशियल। हम क्या कहेंगे भाई, देखो ये करंट के डायरेक्शन है, करंट यहाँ जा रहा है, हम ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, हम कहेंगे कि करंट के डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब हम करंट की डायरेक्शन बता रहे हैं फिर भी हम आई के ऊपर वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, ऐसा क्यों है, तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। आप एक बात बताइए, हमने क्या कहा, हमारे पास बेटा ये एक वायर है, हमारे पास एक ये दूसरी वायर है, मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई इस वायर में 3 एम्पियर करंट दिया हमने, इस वायर में 4 एम्पियर करंट दिया, ठीक है, तो इस वायर में कितना करंट जाएगा, और ये दोनों वायर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, ठीक है। आप ये बताइए कि ये तो मैंने कहा वायर फर्स्ट, ये मैंने कहा वायर सेकंड, तो यहाँ कितना करंट जाएगा, 7 एम्पियर, ये हमारे पास क्या है, वायर थर्ड। बताइए अब आपने ध्यान से ये समझना है कि वायर फर्स्ट, वायर सेकंड, वायर थर्ड, हमारे पास 3 वायर हैं। अब यहाँ से 3 एम्पियर करंट गया, यहाँ से 4 एम्पियर करंट गया, एरो का साइन बनाया, ये दोनों करंट जुड़ गए और यहाँ से गया 7 एम्पियर। मतलब क्या आपने यहाँ पर, इफ करंट इज ए पैरेलल क्वांटिटी, ये करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अगर करंट वेक्टर क्वांटिटी होता, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इफ करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अगर करंट वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगा, देन फर्स्ट वायर और सेकंड वायर का रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट क्या होता है बेटा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई कॉस
कोस 90 और इसका अंडर रूट। अब आप देखिए क्या हो गया, 9 प्लस 16 कोस 90 तो 0 होता है, छोड़ दीजिए कितना आ गया 5 एम्पियर। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 7 एम्पियर। क्या इसने वेक्टर रूल को फॉलो किया, क्या इसने वेक्टर रूल को फॉलो किया, नहीं किया। हेयर करंट डू नॉट फॉलो वेक्टर रूल, हम ये कहेंगे कि ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इसकी डायरेक्शन तो है पर डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर रूल को भी तो फॉलो करे। मेरी बात समझ गए कि नहीं? अगर मान लीजिए हमने दो वायर कनेक्ट कर दी, एक वायर को मैं हिला दूं तो क्या तीसरी वायर में जो करंट जा रहा है क्या उसकी उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है क्या? कभी भी नहीं होता, एंगल पर तो डिपेंड ही नहीं करता, तो मतलब वो वेक्टर रूल को भी फॉलो नहीं करता। सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये रीजन है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं भाई, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि इसने किसको फॉलो नहीं किया, वेक्टर रूल को फॉलो नहीं किया है। समझ आ गया भाई? अब हम रिलेशन पढ़ेंगे करंट का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, या फिर हम करंट डेंसिटी का, ये छोटे छोटे रिलेशंस हैं जो हम पढ़ेंगे भाई, ठीक है? उसके बाद मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ, हम यहाँ से शुरू करते हैं। अगला पॉइंट हम बताते हैं भाई, यहाँ सबसे पहले हम एक रिलेशन पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, हमने क्या कहा था कि हमारे पास ये कंडक्टर है, ठीक है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स यूं ही रैंडम घूम रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, तीसरा इधर जा रहा है, चौथा इधर जा रहा है, किसी की कोई डायरेक्शन ही नहीं है। मैंने कहा कि पहला जो जा रहा है उसकी U1 है, दूसरे की U2 है, तीसरे की U3 है, अगले की U4 है, अगले की UN है। हमने कह दिया N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हेयर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव्स रैंडम विद वेलोसिटी U1 U2 अप टू UN। हो गया? हमने क्या कहा था भाई, वी एवरेज, बोलो बताया था कि नहीं? क्या कहा था भाई, 0 बताया था, मतलब हम जब इनकी एवरेज निकालेंगे तो सभी को क्या कर देंगे, ऐड करके एन से डिवाइड करके क्या लिख देंगे, 0। हमने कह दिया कि वी एवरेज क्या है, 0 है। इनिशियली तो हमारे पास इनकी कोई एवरेज स्पीड है ही नहीं, पर हमने अगले पॉइंट में क्या बताया था, अगले पॉइंट में ये कहा था कि अगर मान लीजिए मैं इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड के साथ जोड़ दूं, तो आपको याद है हम इसको एक बैटरी की हेल्प से जोड़ देते हैं, ये की है, ये प्लस माइनस, हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं भाई। अब मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन V1 से मूव करने लग गया, ये V2 से मूव करने लग गया, अगला V3 से मूव करने लग गया, इसी तरह VN से मूव करने लग गया, पर ये क्यों चेंज हो गए, इनकी वेलोसिटी क्यों बदल गई, क्योंकि इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। हमने क्या कहा था भाई, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E दे दिया, मेरी बात समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे दिया, E, तो भाई नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। हम क्या कहेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, देन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा भाई, माइनस ई मल्टीप्लाई बाई ई, एफ ई इज इक्वल टू, भाई कौन सा फॉर्मूला था, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई था या नहीं था? यहाँ पर क्यू चार्ज, चार्ज तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, माइनस ई मल्टीप्लाई बाई ई, एरो का साइन लगा दो तो आप समझ जाओगे कि जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स अपोजिट लग रहा है, नेगेटिव साइन इसी को तो शो करता है,
चलो अब हमने क्या कहा, ये फोर्स लग गया, न्यूटन्स लॉ से हमने क्या कहा बेटा, बाई न्यूटन्स लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था, दोनों को इक्वल रखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस ई अपॉन एम। यहाँ पर जो एम है वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है भाई ये, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने ये कहा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक्सेलरेट हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहे हैं। जब कोई भी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन ही नहीं, जब कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेट कराया जाता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो हम क्या कहेंगे भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे बेटा भाई। वी वन इज इक्वल टू फर्स्ट की वेलोसिटी हो जाएगी, क्या लिखेंगे, यू वन प्लस ए टी, एक्सेलरेशन तो सब का सेम रहेगा। और हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर हम टी वन टी टू टी थ्री टी फोर इस तरह से ले लेते हैं। हेयर या मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, टी वन टी टू टी थ्री अप टू टी एन, बी रिलैक्सेशन टाइम, टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा रहा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे के साथ टकरा रहा था, तो उन दोनों के सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम पीरियड होता है, उसको रिलैक्सेशन टाइम पीरियड बोलते हैं। दैट इज टाइम पीरियड बिटवीन, टाइम पीरियड टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, उनके सक्सेसिव कोलिजन का टाइम पीरियड है। अब आगे ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा भाई, पहले का सक्सेसिव कोलिजन टी वन है तो मैं सीधा लिख रहा हूँ बेटा, वी वन इज इक्वल टू यू वन प्लस, क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन कितना है भाई, ई अपॉन एम मल्टीप्लाई भाई क्या लिखा जाएगा, टी वन, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। मेरी बात समझ गए, यूँ तो हम एक्सेलरेशन को डायरेक्ट कॉमन भी ले सकते थे पर हम वैल्यू पुट भी कर सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन सभी का कॉमन है। वी टू इज इक्वल टू क्या कहेंगे, यू टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टी टू। इसी तरह से हम डैश डैश लगा कर सीधा वी एन लिख दें, वी एन को क्या लिखेंगे बेटा, यू एन प्लस माइनस ऑफ ई अपॉन एम इंटू क्या लिखा जाएगा। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो या अलग अलग ऐसे लिख देते हैं। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वी नो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो एवरेज स्पीड थी, एवरेज वेलोसिटी थी, क्या लिखेंगे भाई, वी वन प्लस वी टू प्लस अप टू क्या लिखेंगे, वी एन अपॉन एन, एवरेज स्पीड थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पास करा दिया था उसके बाद की स्पीड थी। तो भाई ध्यान से देखिए, वी डी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री, सभी को पहले जोड़ दूँ, अप टू क्या हो जाएगा, यू एन अपॉन एन प्लस, देखिए क्या कॉमन आ रहा है, माइनस ई अपॉन एम कॉमन आ रहा है, माइनस ई अपॉन एम कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा भाई, टी वन प्लस टी टू प्लस अप टू प्लस टी एन अपॉन क्या लिख देंगे, एन। क्लियर है? अब भाई ये तो हमने क्या बताया था, जीरो यहाँ लिख रखा है, देखो ध्यान से, अगर ये वैल्यू जीरो है तो हमारे पास वी डी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ई अपॉन एम इंटू टाओ, टाओ इज इक्वल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। हम इसको क्या कह देंगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कह देंगे, मतलब ये इन सभी की एवरेज टाइम पीरियड है। जैसे कि इसको लिख दिया टी वन, सभी का टाइम पीरियड लिया हमने, प्लस टी एन अपॉन क्या लिख दिया, समझ आ गया कि नहीं भाई। अब हमारे पास ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन आ गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो याद होना चाहिए। हमने यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आपसे रिलेशन समझा दिया। अब ये रिलेशन आगे काफ़ी जगह पर यूज होगा,
आगे ये कहता है कि एक और रिलेशन मैं आपको कराता हूं, अगला रिलेशन, अगला जो मैं आपको रिलेशन बता रहा हूं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगला रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन बताना है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में सिंपल, वही जैसे कि हमने क्या किया भाई, ये हमने एक कंडक्टर ले लिया। हमें नहीं पता ये कंडक्टर कितना बड़ा है कितना है, तो हमने एक बैटरी की हेल्प से इसको कनेक्ट कर दिया, एक की कनेक्ट कर दी, की ये वी पोटेंशियल, और इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया। हमने कहा कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें गया तो इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है भाई, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना शुरू कर दिया। हम यहाँ पर कह देते हैं कि भाई एल लेंथ ऑफ कंडक्टर ले लेते हैं, हम कह देते हैं ए एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हेयर सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, एन बी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने ये कहा कि एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं वो कितने हैं, एन है। अब आप एक बात ध्यान से समझिए, हमने करंट निकालना है सबसे पहली बात, तो वी नो भाई आई इज इक्वल टू, पढ़ा था क्यू बाई टी होता है, ठीक है। हेयर क्यू चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर, इन टाइम टी मैंने ये कह दिया कि इस कंडक्टर में क्यू चार्ज टी टाइम में एक एक एंड से दूसरे एंड से क्रॉस हो गए हैं, पास हो गए हैं, तो कितना करंट प्रोड्यूस हुआ, आई। अब हमने पढ़ा हुआ है बेटा एक फॉर्मूला, क्या पढ़ा हुआ है भाई, वी नो भाई फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, एन मैं यहाँ पर कैपिटल ले लेता हूँ, एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स बोलो है या नहीं है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो मूव ही कर रहे हैं, तो ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो भाई एन इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, एन मल्टीप्लाई बाई वी। भाई हमने क्या कहा था, यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा था, हेयर एन बी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एन, और वॉल्यूम कितना है, वी, और वॉल्यूम को हम क्या बता सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ, बोलो कह सकते हैं कि नहीं। मतलब मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एन, थ्री यूनिट में कितने हो जाएंगे, थ्री एन, 10 यूनिट में कितने हो जाएंगे, 10n, इसी तरह से। ये तो पर यूनिट वॉल्यूम की बात कही जा रही थी यहाँ पर, हमने टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं माने, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मानना था, और यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ज़्यादा है, तो हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, एन इंटू वी। हमने क्या किया, एन और वी की वैल्यू क्या लिखी, ए इंटू एल, यहाँ पर पुट करके क्यू निकाल दिया, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए एल इंटू ई, ये सॉरी ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, चार्ज आ गया। अब इस चार्ज की वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए हमारे पास क्या आएगा, देन आई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या है, एन ए एल ई अपॉन टी, अब देखिए लेंथ अपॉन टाइम हम क्या कहेंगे, यहाँ लिख देंगे एल अपॉन टी इज इक्वल टू वी डी, भाई क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन पास थ्रू कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इन टाइम टी,
भाई ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, वेलोसिटी होती क्या है? मान लीजिए मैं ये कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन इस एल लेंथ को टी टाइम में कवर कर देता है, तो वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी ना, और उसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को क्या कह रहे हैं? वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एल अपॉन टी को क्या कह दिया हमने? वी डी। तो क्या आ गया हमारे पास? आई इज इक्वल टू एन ए ई, एल बाई टी की जगह क्या रख दिया? वी डी। ये हमारे पास रिलेशन आ गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ए एरिया है, ई इलेक्ट्रॉन है। मतलब आप ये भी कह सकते हो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी। अगर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ग्राफ भी बनवाया जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपने बनाना है। यहीं पर मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ, ठीक है? एक अगला पॉइंट मैं इसी के अंदर आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास होता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, तो एक बात हमेशा याद रखना, डेंसिटी जब भी हमारे माइंड में आता है ना, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि करंट फ्लो पर यूनिट वॉल्यूम। पर आपको याद नहीं है, मैंने अभी अभी जो आपसे चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो करंट पास होता है ना, वो परपेंडिकुलर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, जो अभी अभी मैंने लिखा था। याद होना चाहिए आपको कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं तो करंट हमेशा कहाँ पर पास होता है? कौन से पेज पर लिख दिया था हमने? हमने ये बताया था आपसे कि वो उसके परपेंडिकुलर पास होता है, एरिया के परपेंडिकुलर पास होता है। अभी अभी हमने बताया भी था और लिखा भी था, ठीक है? जब करंट उसके एरिया के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर पास हो रहा है, तो जब करंट डेंसिटी के बारे में जब हम जिक्र करेंगे तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर भाई? हम ये बताएंगे आपको कि जो करंट डेंसिटी है उसको हम जे से तो डिनोट करते हैं, और बताएंगे हम आपको करंट पर यूनिट एरिया, करंट अपॉन एरिया, ठीक है? ये याद रखना है, मतलब आई अपॉन ए। करंट डेंसिटी को क्या कहते हैं हम? आई अपॉन ए, करंट डेंसिटी। एक बात और बता देता हूँ, देखिए इसकी यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी भाई? एम्पियर पर मीटर स्क्वेयर, ये यूनिट है करंट डेंसिटी की। और अगर हम रिलेशन निकालना चाहें तो देखिए हम क्या कहेंगे भाई? वी नो, अभी अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था, आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी पढ़ा था। एरिया नीचे लेकर आइए, आई अपॉन ए इज इक्वल टू एन ई वी डी हो गया। आई बाई ए को क्या कह दिया आपने? जे। जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, मतलब करंट डेंसिटी जो है ना, वो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ करंट डेंसिटी जो है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये दोनों कॉन्स्टेंट हो गए। हम क्या कह सकते हैं? इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर एरिया, एरिया भी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो ध्यान से देखिए, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। और आप एक बात ध्यान रखना, जो करंट डेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। समझ आ गया भाई? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आपको, हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर करंट डेंसिटी, वेक्टर करंट डेंसिटी जे इंक्लूड्स द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये याद रखना है, ये किसको इंक्लूड करता है? डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ चार्ज, चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इन पर डिपेंड नहीं करता है। समझ आ गया भाई? तो हमने आपसे ये बताया कि ये हमारे पास करंट डेंसिटी आ गया, हमने इनके बीच में रिलेशन बताया, आई इज इक्वल टू एन ई वी डी, इन सब के बीच में हमने आपसे रिलेशन बताया है। तो यहाँ पर जो एक दो पॉइंट मैं आपको और भी बता देता हूँ,
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो करंट से रिलेटेड हैं दोनों के दोनों। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं करंट के, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ले लेते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इन इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं। देखिए जैसे कि देखिए कि अगर ये जो पहला पॉइंट है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि करंट जो है ना वो हर एक क्रॉस सेक्शन के लिए सेम होता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म आ जाए तो भी करंट क्या होगा, सेम होगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, पहले मैं लिख देता हूँ। द करंट इज सेम फॉर ऑल क्रॉस सेक्शन, ऑल क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपने कहा कि ये हमारे पास कंडक्टर है इस तरह। भाई हमने जो पिछले क्वेश्चन में आई इज इक्वल टू एन ई वी डी पढ़ा था उसमें यूनिफॉर्म था। जो हमने पिछले इसमें कंडक्टर लिया था, ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ एरिया ए है और इधर भी एरिया ए है। ये कंप्लीट जो वायर है ये सिलेंड्रिकल टाइप वायर है, पर यहाँ पर भी ये सिलेंड्रिकल तो है, बट यहाँ पर एरिया आपने कह दिया ए वन है, यहाँ एरिया आपने बता दिया ए टू। मतलब दोनों तरफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, तो क्या करंट की वैल्यू बदल जाएगी, यहाँ करंट अलग हो के यहाँ करंट अलग हो। मीन्स यहाँ पर इसमें हम बताएंगे सेम करंट होगा, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एंटर करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे, और करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। समझ आ गया। अब जैसे कि वाटर टैंक, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं वाटर टैंक का। वाटर टैंक है, वाटर टैंक के अंदर आपने एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन पाइप एड लगा दिया। अब एक पाइप में से जितना पानी एंटर कर रहा है दूसरे एंड से उतना ही तो बाहर निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि कम पानी एंटर कर रहा है और ज़्यादा बाहर निकल रहा है, या ज़्यादा एंटर करके कम बाहर निकल रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जितना वाटर एंटर करेगा पाइप के अंदर उतना ही वाटर फ्लो बाहर होगा। बस इतना हो सकता है कि कहीं से तेज हो सकता है, कहीं से कम हो सकता है। वाटर का प्रेशर ज़्यादा हो सकता है जहाँ पर एरिया कम होगा। सेम वही बात है, जहाँ एरिया कम होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रेशर ज़्यादा होगा, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रहेंगे, और करंट तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। समझ आ गया। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, वो हमेशा वाटर करंट के एकदम सिमिलर होता है। आपने इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाना है तो पोटेंशियल को बढ़ाना होगा। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, सेकंड एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट सिमिलर टू वाटर करंट, इलेक्ट्रिक करंट सिमिलर टू वाटर करंट, ये वाटर करंट के एकदम सिमिलर होता है। मतलब आपने कोई वाटर टैंक ले लिया, वो किसी हाइट पर ले लिया, ठीक है, और उसके साथ एक पाइप कनेक्ट कर दिया। अब आपने देखा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कितना है, वो डिपेंड करता है कि वो टैंक कितनी हाइट पर है। अगर आप सेम हाइट पर दूसरा टैंक ले लेते हो और उसमें भी एक पाइप कनेक्ट कर देते हो, तो वहां से भी जो वाटर का फ्लो होगा ना तो वो सेम होगा। बट अगर आपने दूसरे टैंक की हाइट को बढ़ा दिया और फिर आपने देखा, तो दूसरे के अंदर जो प्रेशर होगा, जो वाटर का फ्लो होगा, वो ज़्यादा होगा। मीन्स हाइट ऑफ वाटर टैंक इज डिफाइन पोटेंशियल ऑफ वाटर। वो उसको किसको डिफाइन कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर रहा है, सेम इलेक्ट्रिक करंट के अंदर है। समझ आ गया। अब इलेक्ट्रिक करंट के अंदर लेंगे, अगर हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस ले लेंगे तो करंट ज़्यादा होगा। अगर हमने हाई पोटेंशियल डिफरेंस लिया तो क्या होगा, देन मोर करंट। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को कम लिया, देन लेस करंट। सिंपल सा पॉइंट
पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूँ यहीं पर, देखिए अगला पॉइंट मैं ये कहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन करंट इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, दो टाइप से हम करंट को डिवाइड करेंगे, ये भी आपने पढ़ना है। दो टाइप से पहला मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ए पार्ट लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4 तो हम पहले ही लिख रहे थे, ठीक है। एक पार्ट मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट कौन सा करंट होता है, इसको हम बेटा डीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीसी बोलते हैं, मतलब हम ये कहेंगे इट इज इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर हम ये कहें कि करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा, तो इस टाइप को हम डीसी करंट बोलते हैं। ये किस में होता है? सेल में होता है, बैटरी में होता है, डीसी डायनेमो भी यही करता है, ठीक है भाई। तो ये सब है, समझ आ गया। अब इसी के साथ साथ दूसरा पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अल्टरनेटिंग करंट। वैसे तो नाम से भी पता चल रहा है, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको एसी बोलते हैं। नाम से ये भी बता सकते हैं कि कौन प्रोड्यूस करता है, अल्टरनेटर प्रोड्यूस करता है, जिसको हम अल्टरनेटर बोलते हैं। एसी जनरेटर जिसको बोलते हैं वो प्रोड्यूस करता है। पर इसको समझना है कि ये क्या है, इसमें ध्यान रखना है। इफ अ करंट इज पीरियोडिक, अगर करंट पीरियोडिक है, अगर करंट कैसा है, पीरियोडिक है, मींस, और इसमें मैं आपको बता देता हूं, विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ है, ये ध्यान रखना है, पीरियोडिक एंड हैज हाफ साइकिल इज पॉजिटिव, हाफ साइकिल इज नेगेटिव, जिसके अंदर आधा साइकिल पॉजिटिव हो आधा नेगेटिव हो। एक डायग्राम बना देते हैं इसमें टाइम के रेस्पेक्ट में, यहाँ करंट लेंगे हम इस तरह से, ये आधा साइकिल है, ये पॉजिटिव है, ये आधा साइकिल नेगेटिव है, ये एम्पलीट्यूड है आई नॉट, इधर ये एम्पलीट्यूड है माइनस आई नॉट, मतलब कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ पर हमने लिख दिया ना। और यहाँ पर हम डीसी का डायग्राम बना सकते हैं, ये टाइम, यहाँ पर हम करंट ले लेते हैं ऐसे, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है भाई। इसके अंदर क्या होता है भाई, हम अल्टरनेट है, पहले पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव, अल्टरनेट चलता है। इसको हम इसी डायनेमो से, या हमारे घर में जो लाइट आ रही है ट्रांसफॉर्मर से जो लाइट आ रही है, ये हमारी अल्टरनेटिंग लाइट है, ठीक है। और इसमें जो चार्ज रिवोल्व करता है साइकिल का, वो फ्रीक्वेंसी के अलोंग करता है। अगर हम यहाँ पर कहें इफ ए चार्ज क्यू रिवोल्व्स इन ए साइकिल विद फ्रीक्वेंसी न्यू, देन आई इज इक्वल टू क्यू न्यू। अब आप सोच रहे हो ये फॉर्मूला कहाँ से लिख दिया भाई, हमने क्या पढ़ा हो, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और 1/T इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड पढ़ा हुआ है।
हमने ये सीधा फॉर्मूला लिख दिया, काफ़ी जगह पर इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाए तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके न्यूमेरिकल और आगे के टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।